हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी मम्मी पापा के साथ। और मेरी ट्रेन आ चुकी थी और मैं ट्रेन में बैठी थी और चिप्स खा रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। आज हम माता के दर्शन के लिए वैष्णो देवी जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत रात हो रही थी। मैं और मेरी सिस्टर खिड़की से बाहर देख रहे थे। उस विंडो के बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा हो रहा था तो हम बोल रहे थे कि बाहर तो बहुत अंधेरा है। तो मम्मा ने समझा रही थी कि अभी रात हो चुकी है तो अंधेरा तो होगा ही ना, और थोड़ी थोड़ी सी लाइट भी आ रही थी और हमें बाहर देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। मैं और मेरी सिस्टर दोनों बाहर देख रहे थे। और फिर मैंने अपने कपड़े चेंज किए, लोअर पहना और फिर मैं बैठ गई और मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी अब हम सो जाते हैं। और फिर मैं थोड़ा सा और मस्ती करने लगी कि अभी थोड़ी एक बार सोती हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और हम लोग मॉर्निंग में पहुँचने वाले थे वैष्णो देवी। अब पूरी रात हमें ट्रेन में ही काटनी थी तो मैं सोचा कि सो जाते हैं और फिर हम सो गए। और फिर नेक्स्ट डे ये मॉर्निंग के 5 o'clock का टाइम था और बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। और यहाँ पर हमने गंगे माता के दर्शन किए, जय माँ गंगे। और यहाँ पर हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी और मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा था। हम लोग विंडो से बाहर देखते हुए जा रहे थे और वीडियो भी बना रहे थे। इतना प्यारा मौसम था, ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों के बीच में बादल आ गए हों और पहाड़ बादल में जैसे घुल मिल गए हों। और फिर हम पहुंच गए थे कटरा धाम, यानी कटरा स्टेशन से। फिर हमने जो था ऑटो रिक्शा लिया, वीडियो से भी बना पाए क्योंकि बारिश हो रही थी। और फिर यहाँ पर हमने रिक्शा की और हम चढ़ाई करने लगे। मैं सो गई थी तो मम्मी ने मुझे रिक्शा में लेटा दिया और हम लोग पहुँच गए अर्धकुमारी। यहाँ पर जाकर हमारे कपड़े गीले हो चुके थे क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो मम्मी ने यहाँ पर रुककर हमारे कपड़े चेंज किए और फिर हम यहाँ से गए माता के दर्शन के लिए, यहाँ पर थोड़ी देर रुककर। और यहाँ पर मौसम इतना प्यारा हो रहा था, बड़े बड़े पहाड़, पहाड़ों के ऊपर बादल जैसे बारिश आने वाली थी। और इतना अच्छा मन लग रहा था यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा सुकून है यहाँ पर आकर। माता की गोद में आकर एक अलग ही सुकून मिलता है। जा जय हो, जय माँ वैष्णो। और फिर देखिए यहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं, सब लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और इसके बाद जो था, हम रात में माता के भवन के नज़दीक पहुँच गए थे और यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यू था। हमने यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बना ली और ये देखिए सुंदर सुंदर लाइट कैसे दिख रही है नीचे। ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नीचे हम पहाड़ से ऊपर से वीडियो बना रहे थे। फिर हम माता के दरबार पहुँच गए और यहाँ पर फूलों की सजावट हो रही थी। और ये देखिए माता का भवन, जय माँ वैष्णो। कितना सुंदर भवन है, ऐसा लगता है जैसे स्वर्गलोक में ही आ गए हो। एक अलग सुकून है यहाँ पर। आप लोग भी एक बार जरूर आए माता के दर्शन के लिए। जय माँ वैष्णो।